हेलो एवरीवन, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। आने के बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन में, तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया एसओपी फॉर एंसुइंग बीए बीएससी बीकॉम बीफोर फर्स्ट एंड फिफ्थ सेमेस्टर ऑनलाइन एग्जामिनेशन 2020 जो है लोगा 2021 में डाउनलोड करता है और एक्सप्लेन करता हूँ। पे आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन, और यहाँ पे लिखा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब एसओपी मतलब कैसा आपका इंस्ट्रक्शन से यहाँ पे दिया गया है, जो फॉलोइंग आपका एसओपी हो गया इशू किया गया फॉलोड एंसुइंग एग्जामिनेशन जो बीए बीएससी बीकॉम एंड बी फॉक फॉर 2015 टू 2020 बैच एंड फिफ्थ सेमेस्टर का 2015 एंड 2016 बैच का ऑनलाइन ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन। तो आप ऐसे बैच वाइज देख सकते हो, तो टोटल यहाँ पे 18 पॉइंट्स दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को पूरा एंटरटेन बिना स्किप किया, ठीक है। तो नंबर वन पॉइंट पे लिखा गया है, जो भी आप आंसर्स लिखोगे वो आपका हैंड रिटन होना चाहिए। ब्लैक बॉल पेन, ब्लैक इंक पेन आप यूज कर सकते हो लिखने में, ठीक है, आंसर्स को। उसका लिखा है जो एग्जामिनेशन होगा उसको A4 साइज पेपर ही यूज करना है। उसका लिखा जो आपका मॉडल आंसर शीट्स हो गया, मतलब जो आपका A4 साइज पेपर होगा, जो आपका टेम्पलेट हो गया वो दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन पोर्टल है वहां से आप चेक कर सकते हो जो फॉर्मेट को, ठीक है। नंबर टू पे लिखा गया जो पेजेस होगा, जितना भी पेजेस में आप लिखोगे सब में आपको पेज नंबर देना है। नंबर थ्री पे लिखा गया जो पेजेस हो गया, फिर जो A4 साइज पेपर आप यूज करोगे आपका लेस और मोर देन 10 पेजेस हो सकते हैं, लेकिन जो भी आप पीडीएफ कन्वर्ट करोगे तो पीडीएफ का साइज हो गया वो 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। नंबर फोर पे लिखा गया जो आपका प्रोसीजर हो गया, जो आप पोर्टल पे जो ओपन टेक्स्ट बुक पोर्टल में वहाँ पे दिया गया कैसे आपका पीडीएफ कन्वर्ट करना है, कैसे आपका आंसर शीट्स को आपको रिड्यूस करना है लेस देन 5 MB, आप आपसे भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपका सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया पीडीएफ कन्वर्ट करने का रिलेटेड में, आपका डिटेल वीडियो मैंने बना के दिया है, बटन पर चेक कर सकते हो, प्रोसेस बताया कैसे आप पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हो अंडर 2 MB, और मैंने कुछ टिप्स भी शेयर किया, डेफिनेटली आप वो वीडियो देख सकते हो आई बटन पे इस वीडियो के बाद, ताकि आपको पीडीएफ कन्वर्ट कैसे करना है उसके रिलेटेड आपको सभी इंस्ट्रक्शन के बारे में टिप्स के बारे में अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो आई बटन पे वीडियो जरूर देख लेना। नंबर 5 पॉइंट पे जो आपका पॉइंट नंबर 4 मेंशन किया गया है, तो यहां पे लिखा गया कुछ आपका पीडीएफ कन्वर्टिंग एप्स भी दिया गया है, रेकमेंड किया गया है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन पोर्टल पे, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। नंबर 6 में लिखा है जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका अवेलेबल कर दिया जाएगा डाउनलोडिंग के लिए 30 मिनट्स आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के पहले। नंबर 7 पे लिखा गया स्टूडेंट्स को कहा गया कि अपलोड करने के लिए पीडीएफ जो कॉपी हो गया आंसर्स का स्क्रिप्ट अप टू 30 मिनट्स आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के बाद से, और यहाँ पे लिखा गया जो आपका अपलोडिंग फैसिलिटी होगा अवेलेबल रहेगा अंटिल 1 आवर, मतलब एग्जामिनेशन का खत्म होने के बाद 1 आवर तक आपका जो अपलोडिंग फैसिलिटी रहेगा, तो आप ध्यान से टाइम लिमिट्स पे ही अपलोड करने का जरूर कोशिश करो, ठीक है। नंबर 8 में लिखा गया अगर स्टूडेंट्स ने एक बार अपलोड कर दिया पीडीएफ तो उसके बाद वापस से अपलोड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे डेफिनेटली जब भी आप पीडीएफ अपलोड करोगे तो ध्यान से अपलोड करना, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा गया है। और जो भी अपलोड करो आंसर्स इसको उसमें आपको कन्वर्ट करना है सिंगल पीडीएफ में, पेज नंबर वाइज ही आप अपलोड करना। नंबर बी में लिखा है अपलोड करने के पहले आप डेफिनेट चेक कर लेना अपना पीडीएफ को, अपना फॉर्मेट को, हर एक को देखना समझना, उसके बाद आप अपलोड करना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्गली एडवाइस किया गया प्रैक्टिस करने के लिए, जो आपका स्कैनिंग हो गया पीडीएफ कन्वर्ट करने का प्रैक्टिस करना, ताकि आप उससे बहुत कुछ सीख सको, ठीक है। नंबर 9 वाला पॉइंट में लिखा गया स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर ऑन 15 and 2016 बैच अंडर आइडल एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर अंडर आइडल, ठीक है, उनको कहा गया ईमेल करने के लिए उनका जो स्कैन कॉपी होगा आंसर शीट्स को आंसर स्क्रिप्ट्स का, और सब्सिक्वेंटली जो सेंड करना है उनको ईमेल में जो ईमेल आईडी दिया जाएगा जो क्रिएट किया जाएगा रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल से, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया स्टूडेंट जो मेंशन किया गया यहाँ पे जो आइडियल बैचेस के बारे में यहाँ पे कहा गया बैच उनको कहा गया कि कोई भी उनका प्रोविजन नहीं होने वाला ऑनलाइन अपलोड करने का आंसर स्क्रिप्ट को, तो अगर आप आइडियल का स्टूडेंट हो डेफिनेटली आपके रेस्पेक्टिव कॉलेज से आपको इसके बारे रिलेटेड इन्फॉर्म कर देंगे, नहीं तो आप पूछ सकते हो कॉलेज से भी, तो आपको आइडियल स्टूडेंट्स को डेफिनेटली बता देंगे, ठीक है, कैसे आपको सेंड करना है। तो नंबर 9 वाला पॉइंट आप पॉज करके पढ़ सकते हो अगर आप आइडियल का स्टूडेंट्स हो तो। नंबर 10 पे लिखा गया जैसे आपका एग्जामिनेशन होगा उनको रिक्वायर करना पड़ेगा लॉग इन करने के लिए एग्जामिनेशन पोर्टल में, तो आपको करेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ देना है लॉग इन करने के लिए। नंबर 11 में लिखा गया जैसे आपको पता है ओपन टेक्स्ट बुक या फिर ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला है, कंडक्ट करेंगे ऑनलाइन मोड में, तो यहाँ पे आप जो आपका हेल्प हो गया टेक्स्ट बुक का नोट्स का आप ले सकते हो, ठीक है। नंबर 12 पे लिखा गया जो टोटल मार्क्स हो गया फॉर ईच पेपर वो आपका सेम रहने वाला है इंडिकेटेड इन द सिलेबस, जो 60 मार्क्स फॉर मेजर ऑनर्स कोर्स पेपर, 80 मार्क्स आपका जनरल रेगुलर कोर्स पेपर एंड 40 मार्क्स फॉर आपका बीफोक कोर्स पेपर ट्रेड। सो यहाँ से चेक कर सकते हो आपका कोर्स वाइज या मेजर वाइज या फिर आपका जो भी आपका जनरल रेगुलर पेपर है, तो यहाँ से आप देख लो कितना मार्क्स का हो सकता है, ठीक है। और जो टोटल ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन का आपका क्वेश्चन पेपर पे जरूर मेंशन रहने वाला है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड आप डेफिनेटली यहाँ से पॉइंट नंबर 12 पे पढ़ सकते हो। नंबर 13 में लिखा गया कोई भी आपका ऑफलाइन सबमिशन आपका आंसर शीट्स का नहीं होने वाला है, ठीक है। नंबर 14 में जो आपका नेट कनेक्शन हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, तो प्रॉपर गैजेट्स का आप डेफिनेटली पहले से ही आप जो मोबाइल यूज करके चार्ज करके रखना, जो भी पीडीएफ कन्वर्टर
का एप्स को अब अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया, आपका नेट कनेक्शन को भी ध्यान से देख के ना। फिर नंबर 15 पे लिखा गया हेल्पलाइन फोन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा कॉलेज से उनका स्टूडेंट्स के लिए, जो रेस्पेक्टिव कॉलेज का स्टूडेंट्स है, और उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि वहाँ पे आपका अवेलेबल कर देगा स्टूडेंट्स को, ताकि कुछ भी डाउट्स है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो ये आपका कॉलेज से डेफिनेटली बता ही देंगे। नंबर 16 में लिखा गया कॉलेजेस को अरेंज करने के लिए कहा गया जो SOP हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गया डिटेल में स्टूडेंट्स को बताने के लिए, ताकि स्टूडेंट डाउनलोडिंग अपलोडिंग PDF कैसे कन्वर्ट करना उसके रिलेटेड इन्फॉर्म और प्रिपेयर कर सके अपने आपको, ठीक है। नंबर 17 वाला पॉइंट ध्यान से सुनो, यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स अगर अपलोड नहीं कर पा रहे आंसर स्क्रिप्ट को जो टाइम दिया गया स्पेसिफिक टाइम में, और जो अलॉन्ग विद जो एक्सटेंशन टाइम में भी अगर अपलोड नहीं हो रहा उनका आंसर स्क्रिप्ट, ठीक है, तो उनको कहा गया एग्जामिनिश को सबमिट करने के लिए आंसर स्क्रिप्ट को ईमेल आईडी में जो रेस्पेक्टिव कॉलेजेस से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और जो ईमेल आईडी होगा उसमें आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा कॉलेजेस से, या फिर आपका रेस्पेक्टिव जो आपका टीचर्स आपको डेफिनेटली इसके बारे में बता देंगे। लेकिन जब भी अगर आप ईमेल में सेंड कर रहे हो अपने आंसर स्क्रिप्ट को, तो वहाँ पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका अपलोड नहीं हुआ, रीजंस क्या वहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप प्रूफ नहीं दे रहे हो तो आपका जो भी आंसर स्क्रिप्ट को उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा एवोल्यूशन के लिए। तो ध्यान से देखो, जो भी टाइम लिमिट जाएगा उस टाइम लिमिट में अपलोड करो, ठीक है। अपलोड ना हो पाए तो आपका कॉलेज से ईमेल प्रोवाइड किया जाएगा रेस्पेक्टिव कॉलेज का स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पे सेंड कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे प्रूफ ऑफ फेल अटेम्प्ट देना है कि क्यों अपलोड नहीं हुआ। तो आप पहले ट्राई करो, नहीं हुआ तब भी आप ईमेल में। तो वापस से कहूंगा मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिटेल वीडियो बनाए, वो वीडियो देख लो, ताकि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है वो ध्यान से समझ जाओ, ताकि एग्जामिनेशन आपका अच्छे से हो सके, ठीक है। नंबर 18 वाला पॉइंट में लिखा है आपका कोई मॉक टेस्ट इस बार कंडक्ट नहीं होने वाला फॉर एंसरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो टोटल 18 पॉइंट्स था इस वीडियो पे, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। डेफिनेटली वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, आई बटन चेक करो, आपको काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस दूंगा एग्जामिनेशन रिलेटेड, आपको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन कॉल करना। आज का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे, बाय।